हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Mi A3 के बारे में। ये जो फोन है इसे अब हो चुका है 1 साल कंप्लीट। ये जब Amazon पर लॉन्च हो चुका था तो फर्स्ट सेल में ही मैंने ये फोन जो है खरीद लिया था। आज 1 साल इसे कंप्लीट हो चुका है। किस तरह का परफॉर्मेंस मुझे इसमें मिला है, क्या क्या परेशानियां आई है, सारी चीजें आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो जब ये फोन लॉन्च किया गया था वो एंड्रॉइड 9 पाई पर लॉन्च किया गया था, और उस समय इसका जो परफॉर्मेंस था, आज का जो परफॉर्मेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है, तो आपको मैं बता दूं कि जब ये एंड्रॉइड 9 पाई पर रन कर रहा था उस समय इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा था। किसी भी तरह का लैग हैंग इसमें नहीं मिल रहा था, और अगर बैटरी लाइफ की बात करेंगे तो बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी हमें एंड्रॉइड 9 पाई में मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इसमें एंड्रॉइड 10 का अपडेट आया तो इसका जो है कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। एंड्रॉइड 9 पाई में बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिल रही थी। इसके बाद उसका जो फ्रंट कैमरा है उससे भी सेल्फीज बहुत ही बढ़िया मिल रही थी। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा काफी अच्छी सेल्फी क्लिक कर रहा था। लेकिन एंड्रॉइड 10 अपडेट आने के बाद फ्रंट कैमरा जो है बहुत ही बेकार सा हो चुका, और इतने एंड्रॉइड 10 आने के बाद काफी सारे अपडेट्स भी इसमें और भी आए, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है इम्प्रूव नहीं हो पाया। साथ ही इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी कम हो गई। काफी सारे यूजर्स ने मुझे कई सारे कमेंट्स किए हैं कि एंड्रॉइड 10 के बाद बैटरी लाइफ बिल्कुल भी उन्हें नहीं मिल रही, फोन की बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। तो ये जो मेजर अपडेट इस फोन में दिया गया, इसके जो बग्स थे अभी तक कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुए है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। फोन बहुत ही बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें जो भी इश्यूज देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ही हुआ है, जिसे Xiaomi ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। फोन जो है मेन थिंग इसका जो है जो बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर देता है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, जिसे हम काफी अच्छा मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे फोटो क्लिक करते हो तो वो एक साधारण सा 8 मेगापिक्सल के कैमरा जैसा फोटो यहाँ पर निकल के आता है, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का इश्यू है। सॉफ्टवेयर की वजह से इसका फ्रंट कैमरा बेकार हो चुका है। नेटवर्क का प्रॉब्लम भी इसमें आ जाता है, कभी कभी नेटवर्क सही काम नहीं करता है, बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो जाता है। अगर आप फोन यूज भी नहीं करेंगे तो बैटरी ड्रेन होना इसका जो है वो बंद नहीं होता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिली वो एंड्रॉइड 10 अपडेट आने के बाद ही हुई है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ सॉफ्टवेयर की है, इसमें हार्डवेयर का कोई भी इश्यू नहीं है। कई सारे कमेंट्स तो ये आते हैं कि इसमें जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो काम नहीं करता, तो ये भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही कम हमें फोन में देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट आएगा, हो सकता है इस साल के अंत में आ जाए, दिसंबर में आ जाए या नवंबर में आ जाए, वो डेट कंफर्म नहीं है। तो हम तो यही इंतजार करेंगे कि एंड्रॉइड 11 आएगा तो इस फोन का परफॉर्मेंस किस तरह हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड 10 में जो हमें परफॉर्मेंस मिला है, कुछ नए फीचर्स तो आ गए एंड्रॉइड 10 में, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार हो चुका है फोन का। रैम मैनेजमेंट भी सही नहीं है, कई सारे एप्स जो अगर हम ओपन करके रखते हैं और फोन को चलाते हैं तो वो एप्स जो है ऑटोमेटिकली किल हो जाती है। तो ये कुछ जो है परफॉर्मेंस एंड्रॉइड 10 में इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और अब जैसे जैसे दिन और भी ज्यादा इसमें बैटरी लाइफ जो है दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही है, इसको Xiaomi फिक्स नहीं कर रही है। फोन के सेल्फी कैमरा का अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता तो काफी अच्छी बात होती, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आई। अब जो यूजर्स है वो वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड 11 के लिए, एंड्रॉइड 11 कब आएगा इस बारे में भी कई सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, लेकिन जो है डेट फिक्स कोई भी नहीं बताता है। कोई भी कंपनी जो है डेट फिक्स नहीं बताता कि इस समय आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। तो जब भी कुछ खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। एंड्रॉइड 11 में भी मुझे नहीं लगता कि फोन की परफॉर्मेंस हमें एंड्रॉइड 9 पाई जैसी मिलेगी। फीचर्स तो काफी नए आ चुके हैं, डार्क मोड आ चुका है, जेस्चर सपोर्ट्स आ चुके हैं, काफी सारे नए फीचर एंड्रॉइड 10 में देखने को मिले, लेकिन परफॉर्मेंस काफी कम हो गया, बैटरी लाइफ काफी कम हो गई, नेटवर्क काफी फ्लक्चुएट होने लगा। तो ये सारी चीजें जो होती है सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से होती है। फोन काफी अच्छा होता है लेकिन सॉफ्टवेयर सही ऑप्टिमाइज नहीं होने की वजह से फोन में काफी सारे प्रॉब्लम हमें मिलते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताने। क्या आप इस फोन को और चलाएंगे या तो फिर किसी और नए फोन के साथ इसको एक्सचेंज करेंगे, कमेंट्स में मुझे आप जरूर बताइए।
अभी और एक साल में इस फोन को जरूर चलाऊंगा और देखेंगे कि एंड्रॉइड 11 आने के बाद इसमें क्या परफॉर्मेंस हमें मिलता है। अभी तो सिर्फ हम उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि हमारा जो फोन है और भी अच्छा बन जाए, लेकिन शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं एंड्रॉइड 11 में इस फोन का परफॉर्मेंस क्या मिलता है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है आपको किस तरह से मिल रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके फोन में आ रही है, क्या आप इस फोन को चेंज करना चाहते हो या तो फिर और कुछ दिन इसे यूज करना चाहते हो। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।